तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो वायरफ वाले, मैं कह रहा था कि जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा टाइगर 3 की प्रमोशंस के लिए, टाइगर 3 की अपडेट के लिए ये फुल एक्टिव हो जाएंगे। यस, जैसे कि टाइगर अपना बंदा जो एक्टिव हो रहा है, साथ ही साथ वायरफ वाले भी सेम एटीट्यूड के साथ एक्टिव हो रहे हैं। लगातार प्रमोशंस पे प्रमोशंस तो चल ही रहे हैं, उसके बाद न्यू पोस्टर्स आ रहे हैं, मूवी से लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ रही, ना कि सिर्फ रूमर्स नहीं आ रहे हैं, ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट दी जा रही है। लाइक ट्रेलर अभी 16 अक्टूबर को आने वाला है, मात्र 5 दिन के बाद हमें टाइगर 3 का मोस्ट मच अवेटेड जो मूवी है उसका फाइनल ट्रेलर हमें देखने को मिल जाएगा। भाई साहब, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मोमेंट के लिए। और जो लगातार पोस्टर्स अभी निकाले, कल कैटरीना कैफ का पोस्टर निकाला था, वो रोप से लटकी हुई और मतलब एक्शन वाला लुक, एकदम फिजिक उनकी देख रहे हो, बिल्कुल ज़बरदस्त। एक आर्मी वाला जैसे फिजिक नहीं होती वैसा ही, तो वो चीज़ दमदार लग रही है देखने में। तो यहाँ पर ना इस बार कैटरीना कैफ का भी रोल बहुत दमदार होने वाला है टाइगर 3 में। आज क्या कहते हैं, सलमान खान की न्यू पोस्टर निकाल दिया है और जो स्वैग के साथ बैठे हैं भाईजान, यार क्या एटीट्यूड है इस बंदे का। और इसी एटीट्यूड के लिए जाना जाता है और यही एटीट्यूड के लिए लोग इसके देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो बैठ के हाथ में पिस्टल, गले में वो परना, एकदम लुक है ना यार, ये यही लुक तो चाहिए सबको, इसी लुक के लिए पागल हुए थे। जब टाइगर फर्स्ट आई थी इस लुक के लिए लोग पागल हो गए थे, फैन हो गए थे इसके, और काफ़ी लोगों ने इसको कॉपी भी किया था और ये ट्रेंड में भी चला था। और वही चीज़ अभी भी देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये न्यू पोस्टर जो निकाला है उसके पीछे जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उसके आगे भाईजान बैठे हैं, तो ये ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वही चीज़ ना मैं कह रहा था कि अभी तक वायरफ वाले क्यों शांत थे, क्योंकि विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली 22 सितंबर को रिलीज करी गई थी। तो उस बीच अगर ये टाइगर 3 का प्रमोशंस करते तो वहाँ से उस मूवी को इतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिलता। तो यस, अब जो है ना, जब तक मूवी दिवाली में जैसे मूवी आनी है, जब तक टाइगर 3 रिलीज़ नहीं हो जाती, यहाँ पर ये लगातार प्रमोशंस पे प्रमोशन चलेंगे। एक प्रिडिक्शन करते हैं और ज़बरदस्त प्रिडिक्शन करते हैं कि कल कटरीना कैफ का पोस्टर आया, आज सलमान खान का पोस्टर आया, तो अब कल किसका आ सकता है, तो कल किसका पोस्टर आ सकता है। नो डाउट सभी के दिमाग में एक ही बंदा घूम रहा होगा, कौन? इमरान हाशमी, क्योंकि वो अपोनेंट में होने वाला है। और यार इन दोनों के ना, देखो एक्टर बहुत धांसू है, एक्टिंग स्किल उसकी सभी ने देखी है, तो विलेन के रूप में ये बंदा कितनी आंख फाड़ने वाला है वो तो हमें दिवाली में मूवी जब रिलीज होगी तभी पता लग जाएगा। लेकिन 16 तारीख को भी हमें इसकी एक झलक देखने को मिल जाएगी कि इन दोनों की क्या कंट्रोवर्सी रहने वाली। जब ये आमने सामने आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यस मूवी में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में यस सिर्फ सलमान खान को ही नहीं दिखाएंगे, टीजर तो फोकस कराया गया था पूरा सलमान खान को लेकर, लेकिन ट्रेलर में हमें इमरान हाशमी का भी लुक देखने को मिलेगा और कटरीना कैफ का भी थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा। तो यस, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन के साथ निकल के आ रहा है कि यार कल जो है इमरान हाशमी का पोस्टर निकलेगा ही निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि वायरफ वाले टाइगर 3 को इतनी आगे पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा था ना, पठान के टाइम पर वायरफ वालों को एक चस्का लग गया, मतलब खून लग गया है, कैसा? पैसे कमाने का। वायरफ की पहली मूवी थी जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट किया पठान के साथ, तो टाइगर 3 के साथ भी ये सेम चीज़ करना चाहते हैं। अगर यही चीज़, यही मंजर 1000 करोड़ इन्हें लाना है, तो भाई साहब ऐसे ही इन्हें अपडेट रहना पड़ेगा, फैंस को लगातार अपडेट देते रहना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ कनेक्टेड रखना पड़ेगा। तो यस, ये जो मूव चल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं और मज़ा आ रहा है देखने में। बाकी ट्रेलर के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और कल अगर देखते हैं स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन निकलने की, कल इमरान हाशमी का अगर पोस्टर आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या कल इमरान हाशमी का पोस्टर आएगा? और ट्रेलर के लिए कौन कौन इंतज़ार कर रहा है 16 अक्टूबर के लिए, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। और क्या ये मूवी भी वायरफ की, ये मूवी पठान की तरह 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, टच कर जाएगी, कवर अप कर जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।